अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का अनवान है वो है अहम मुकालमा जात। बोर्ड इम्तहानात 2022 के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकालमा जात मैं आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन कौन से मुकालमा जात को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको आज जो मुकालमा जात बताऊँगा, इंशाल्लाह पेपर के अंदर आपको इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो सबसे पहले, अगर किसी को मुकालमा जात के हवाले से कोई इशू है कि किस तरह लिखना है, अगर किसी को इसका नहीं पता तो हमारे चैनल के ऊपर मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, मुकालमा किस तरह लिखना है। तो आप सबसे पहले जाके उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि मुकालमा आपने बोर्ड में किस तरह लिखना है। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे इम्तहान के अंदर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, आपके इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम चलते हैं, देखते हैं कि आपने कौन कौन से मुकालमा जात को पेपर बोर्ड के हवाले से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास मुकालमा है स्टूडेंट्स, वो है दो तालिब इल्मों के दरमियान, यानी कि वो इम्तहानात के हवाले से भी हो सकता है, किसी मौजू पर हो सकता है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा, ये भी हमारे पास इम्तहान की तैयारी के हवाले से भी हो सकता है। जो ज़्यादा पेपर में आता है वो दो दोस्तों के दरमियान बहस पर आता है इम्तहान की तैयारी के हवाले से। तो आपने ये करना है। नंबर थर्ड पे हमारे पास डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान, ये वेरी वेरी स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जाता है डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान। जैसे कि आपको पता है आजकल जो दिन चल रहे हैं कोरोना के हैं, यानी कि ये आम बीमारी से छुटकारा अभी अभी हमने हासिल किया कोरोना की, तो ये कोरोना के रिलेटेड भी आपको मुकालमा पूछा जा सकता है, ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाहक, और यहाँ पे आना है हमारे पास दुकानदार, ये गलती से मरीज़ लिखा गया, यहाँ पे आपने लिखना है दुकानदार, यानी गाहक और दुकानदार के दरमियान मुकालमा आपने लिखना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सब्ज़ी फरोश या फल फरोश और गाहक के दरमियान हमारे पास मुकालमा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा, यानी कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इम्तहान के हवाले से, यानी क्वेश्चन के हवाले से, किसी भी मौजू के ऊपर आपको ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास किताबी कीड़े और खिलाड़ी के दरमियान मुकालमा, इसी तरह नेक्स्ट है दो मुसाफरों के दरमियान मुकालमा, और लास्ट पे है जो हमारे पास वो है तारीख़ पाकिस्तान के मौजू पर मुकालमा, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से याद करना है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही अहम मुकालमा जात, जिनको आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपको पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई एक मुकालमा वो देगा, तो आपने उसको प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ लगे घंटी के साइन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सकेगा। अल्लाह हाफिज़।